दोस्तों, मैं सोमनाथ भारती इस वक्त हूं कापसहेड़ा थाने में। पूरी रात इसी प्रकार से बैठा हुआ हूं क्योंकि भाजपा शासित दिल्ली पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया सिर्फ इस जुर्म में कि जो वुमन रेसलर्स जंतर मंतर पे 10 दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, उनका मैंने साथ दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उनका शोषण किया, जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, जिसके कारण वुमन रेस्लर्स को अनशन में बैठना पड़ा, फाइनली उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, फिर जाके 2 FIR दर्ज हुआ। बृजभूषण सरन सिंह, वो खुलेआम अब आज इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है। दिल्ली पुलिस के पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उसे अरेस्ट कर सके। पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज हुआ है, उसको अरेस्ट नहीं करना है। बच्चियों ने जो देश के लिए मेडल लेके आई, जिनके साथ माननीय मोदी जी ने फोटो खिंचवाई, अपने को उस वक्त बड़ा ऊंचा दिखाने का प्रयत्न किया। कल सारा दिन कल बारिश जो हुआ उसमें कीचड़ कीचड़ भर गया था और उसके कारण वो नहीं बैठने की जगह थी, वो उन्होंने बेड मांग लिया। वो बेड क्या वहां पहुंचा कि दिल्ली पुलिस तो लगा जैसे कि वहां वॉर हो गया हो। क्या धक्का मुक्की और क्या गालियां और किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है, वीडियो तो हर जगह चल रहा है, देखिएगा तो आप भी संतान हो जाएंगे। जहां कहीं भी आप हो, इन बच्चियों के साथ न्याय हो, देश के साथ न्याय हो। देश की आन बान शान है ये बच्चियां, इसके लिए जरूर आप प्रयत्न करें। मैं सारी रात बैठा रहा हूं, हमारे साथ नरेश यादव जी यहां के विधायक हैं, वो भी बैठे रहे हैं, मेरी काउंसलर सरिता फोगाट, कमल भारद्वाज सभी बैठे रहे हैं, और हमारे वॉलंटियर्स प्रवीण पॉल, राजेश, सभी ऋषि सब बैठे हुए हैं यहां। सबको परमात्मा ताकत दे, इस लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे जब तक उनको न्याय मिल जाए।